दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 17 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। और फाइनल इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की घोषणा हो चुकी है और इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर उन तीन बड़े बदलावों की जो हमें भारत की प्लेइंग में दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप चाहते हैं कि सेकंड ओडीआई मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में वापसी कर ले तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सीरीज का पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया था, जहां पर आरोन फिंच और डेविड वार्नर के ताबड़तोड़ शतक के चलते 10 विकेट से बहुत ही रोमांचक जीत ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की थी और इस सीरीज में 1-0 से लीड हासिल कर रखी है। और भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो मुकाबला होने वाला है। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत जाती है तो इस सीरीज में बराबरी कर लेगी, लेकिन अगर हार जाती है तो इस सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन तीन बड़े बदलावों की जो हमें इस मुकाबले के दौरान भारत की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर पहला सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है ऋषभ पंत को लेकर। पहले वनडे मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत के सर पर गेंद लगी थी जिसके चलते वह इंजर्ड हो गए हैं और बीसीसीआई ने ऑफिशियली उनको सेकंड ओडीआई मैच से बाहर कर दिया और अब उनकी जगह पर केदार जाधव या फिर मनीष पांडे, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलने वाला है और केएल राहुल इस मुकाबले के दौरान हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, तो यह बदलाव होने वाला है भारतीय टीम के बॉलिंग लाइनअप में। यहां पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर नवदीप सैनी को भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। शार्दुल ठाकुर पिछले मुकाबले के दौरान बहुत ही महंगे साबित हुए थे, बहुत ही वो पीटे थे, 8.5-9 की इकोनॉमी से उन्होंने वहां पर रन लुटाए थे और ऐसा बिल्कुल कंफर्म्ड लग रहा है कि इस मुकाबले में नवदीप सैनी को शार्दुल ठाकुर की जगह पर भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो यह बदलाव किसी खिलाड़ी को लेकर नहीं है, यह बदलाव बैटिंग ऑर्डर में चेंज को लेकर है। जी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली नंबर 4 पर खेले उतरे थे, जहां पर वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन अब यहां पर सेकंड ओडीआई मैच में हमें नंबर 3 पर ही वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले। चलिए अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे डेविड वार्नर के साथ आरोन फिंच, नंबर 3 पर आएंगे मार्नस लेबुसगन, नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर एस्टन टर्नर, नंबर 6 पर एलेक्स कैरी, नंबर 7 पर एस्टन अगर, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर केन रिचर्डसन और नंबर 11 पर एडम जेम्पा। तो कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। वही हम भारत की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन, नंबर 3 पर आएंगे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर लोकेश राहुल, नंबर 5 पर सुरेश अय्यर, नंबर 6 पर पंत की जगह पर केदार जाधव को खेलने का मौका मिलेगा, नंबर 7 पर आएंगे रविंदर जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर नवदीप सैनी को मौका मिलेगा, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। तो कुछ ऐसी होने वाली यहां पर इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11। बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी इस मुकाबले की चैंपियन, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।